अजय बेटा गुड इवनिंग। फटाफट बताओ सब कुछ, ऑडियो वीडियो क्लियर है? मुझे पता ही नहीं चला मैं लाइव हो गया था। विशाल ओके सब क्लियर है, वेरी गुड। तो बेटा जैसे मैंने बोला था, आज हम लोग करेंगे फाइनल अकाउंट का रिवीजन, आज से शुरू करेंगे। तो सब लोग तैयार हो, फटाफट जुड़ जाओ सब लोग जल्दी से। सब बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ। चलो फिर शुरू करते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट। आ जाइए, हम लोग शुरू करते हैं फाइनल अकाउंट। तो हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं फाइनल अकाउंट, और आइए अब देखिए मैं शुरू कर रहा हूँ। देखो बेटा,
बिना टाइम वेस्ट किए आज वैसे ही बहुत टाइम हो चुका है। देखिए सबसे पहले फाइनल अकाउंट, ये जो चैप्टर है बेटा हम लोग के एग्जाम में, इसकी जो वेटेज है वो 10 मार्क्स की है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में इसकी वेटेज 10 मार्क्स की है। ये जो फाइनल अकाउंट चैप्टर है बेटा, ये जो फाइनल अकाउंट चैप्टर है तो ये जो फाइनल अकाउंट चैप्टर है बेटा, ये हम लोगों के सिलेबस में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या क्या? एक तो है फाइनल अकाउंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज और दूसरा है फाइनल अकाउंट फॉर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, दूसरा है फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। हम लोग को दोनों पढ़ने हैं। और एग्जाम में ऐसा भी हुआ है कि सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन आया है, एग्जाम में ऐसा भी हुआ है सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन आया है, और एग्जाम में बेटा ऐसा भी हुआ है कि इन दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन पूछ लिया, इन दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन पूछ लिया। अभी लास्ट या लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट की बात है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था दोनों का कंबाइंड। ठीक है, तो आपको दोनों ही करके जाने हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग दूसरा नॉन मैन्युफैक्चरिंग, दोनों करके जाना है। मुझको बताओ पहले इतनी बात समझ में आई? फटाफट रिप्लाई करो, अगर इतनी बात समझ में आई तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके श्रद्धा बेटा वेलकम हमारे चैनल पे, बहुत 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 स्वागत है आपका। जो भी लोग देख रहे हो बच्चों, ये हमारे यहाँ की ऑल इंडिया रैंक है, अभी फाइनल में भी रैंक लेके आई है, CMA फाइनल में रैंक आई है, CMA फाउंडेशन में भी रैंक थी और CMA फाइनल में रैंक लेके आई है। बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट, और पता ही नहीं चलता तुम लोग अभी ज्वाइन किए थे और अब कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो गए। बहुत बहुत वेलकम बेटा श्रद्धा। आजकल तो तुम टैक्स के आर्टिकल्स वगैरह लिख रहे हो, मुझे दिखते हैं, बहुत अच्छे बेटा। आप लोग भी जो लोग साथ में जुड़े हुए हो, देखो बेटा इन लोगों से इंस्पिरेशन लो, फाइनल में रैंक लेके आए हैं और CMA का फाइनल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर लखनऊ में हो तो कभी ऑफिस आना बेटा, श्रद्धा आके मिलना लखनऊ में हो तो। हम तो बेटा श्रद्धा सबके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन रैंक तो फिर आप लोग की मेहनत पे बात आ जाती है ना, हम तो सबको वही पढ़ाते हैं, उसी में से कोई बच्चा नहीं क्लियर कर पाता, कोई बच्चा आप लोग की तरह नाम रोशन कर जाता है, आपका भी, अपने परिवार का, हम लोग का भी, बहुत अच्छा लगता है बेटा। असली रिवॉर्ड यही है कि तुम लोग इतने अच्छे मार्क्स से पास होते हो, रैंक लेके आते हो। हेलो अमन, हाँ लॉकडाउन के टाइम पे तुम लोगों को पढ़ाया था, नाइट क्लासेस करते थे हम लोग। बहुत अच्छा लगा बेटा सुनता, मैं क्लास कंटिन्यू करता हूँ, आप बहुत बच्चे वेट कर रहे हैं। हाँ जी बेटे, तो अब आ जाओ सब बच्चे, अब तुम लोग भी रैंक लेके आओ, कुछ लिखोगे यहाँ पे? ये सब ऑल इंडिया रैंक होल्डर हैं, कहीं भी आप क्लासेस का बैनर देखोगे तो इन लोग की फोटो जरूर मिलेगी। अभी आप पिछली क्लास में आकांक्षा थी,
इसमें श्रद्धा है, इन लोग की फोटो जरूर कहीं भी बैनर देखोगे। हाँ, सब लोग अभी इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हो, उसके बाद पढ़ रहे हो, इन लोगों से इंस्पायर करो बेटा। लॉकडाउन के टाइम पे कैसे पढ़ाई कर करके और रैंक लेके आए हैं बच्चे। कभी ये लोग अगर लखनऊ आते हैं तो आप लोग को मिलवाएंगे क्लास में इन लोगों से। तो सब लोग अपने आप से प्रॉमिस करो कि टैक्स ले रैंक लेके आओगे आप लोग। बिल्कुल बेटा, मेहनत करो, रैंक आएगी। ओके चलो, अब आओ शुरू करते हैं। तो मैं क्या बता रहा था, आओ देखो, मैं कह रहा था बेटा हम लोग टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं फाइनल अकाउंट। एक बार जरा पहले लिख दो सब लोग, हो कि नहीं हो? तुम लोग के तो मैसेजेस ही ब्लॉक हो गए हैं, पता नहीं आ नहीं रहे कि क्या प्रॉब्लम है। कौन 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 देख रहा है, फटाफट एक बार लिखो। फटाफट फटाफट, राहुल, सुमित, जल्दी से, फिर मैं शुरू करूँ। नालायको, इनको देख के मोटिवेशन नहीं आता, इतनी देर से शांत हो तुम लोग। प्रेजेंट, ओके चलो ठीक है। हाँ तो ऐसे बच्चों को देखो, मोटिवेट हो, ऑल इंडिया रैंक 10 लेके आए ये बच्चा, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अब तुम लोग को लेके आना है, एक दिन कभी पढ़ाएंगे तुम लोग भी लाइव आओगे। ओके चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं, आ जाओ। तो हम लोग टॉपिक कर रहे थे फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट में मैंने आपको बताया था दो तरह की एंटिटीज होती हैं। कौन कौन सी बेटा? हम लोग के सिलेबस में जो है, एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज और नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। तो मैन्युफैक्चरिंग से भी क्वेश्चन आता है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग से भी क्वेश्चन आता है, दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन भी आता है। तो दोनों आपको पढ़ के जाना है। अब मैं जरा चैप्टर के बारे में बता दूं, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, बताओ बेटा, थ्रू आउट द ईयर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, हम लोग के इंडिया में जो कल्चर है, फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है जाके नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को। और आप सबने पढ़ा है बेटा, साल भर कंपनी यहाँ से लेके यहाँ तक कंपनी बिजनेस करेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक कंपनी बिजनेस करेगी, साल भर कंपनी जर्नल बनाएगी, लेजर बनाएगी, और हर थोड़े थोड़े दिन पे ट्रायल बैलेंस बना के कंपनी चेक करती रहती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर जर्नल बनता रहा, थ्रू आउट द ईयर लेजर्स बनते रहे, बीच बीच में थोड़े थोड़े दिन पे कंपनी ट्रायल बैलेंस बना के चेक करती रहती है कि सारी अकाउंटिंग ठीक चल रही है कि नहीं ठीक चल रही है। अब क्या होता है बेटा, एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स बनाती है, आखिरी अकाउंट। तो वो कैसे बनाती है, वो आप यहाँ पे पढ़ने जा रहे हो। एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स बनाती है, वो कैसे बनाती है, वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब तो हमारे चैप्टर का नाम हो गया फाइनल अकाउंट। अब इसमें बेटा हम लोग के सिलेबस में है जो, उसमें दो टाइप की कंपनीज आती हैं, कौन कौन सी देखना। पहली जो ट्रेडिंग कंपनी है, दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तीसरी जो मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज ट्रेडिंग कंपनी है। कितने टाइप की कंपनी हुई, पहली जो ट्रेडिंग कंपनी है, दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तीसरी जो मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज ट्रेडिंग कंपनी है। सर इसका मतलब क्या हुआ? गुड इवनिंग हरिद्वार, महिमा और गरिमा, तुम लोग इतनी लेट क्यों आते हो बेटा? देखो तो अब मैं समझाता हूँ बेटा। तो मैंने क्या बोला आपसे, फिर से एक बार फ्लो टूट गया, यहाँ से लेके यहाँ तक थ्रू आउट द ईयर साल भर कंपनी बिजनेस करती है, अपना जर्नल बनाती है, लेजर बनाती है और ट्रायल बैलेंस बनाती रहती है बीच बीच में। फिर क्या होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी बनाती है अपने फाइनल अकाउंट्स, आखिरी अकाउंट्स। तो वही फाइनल अकाउंट आप पढ़ने जा रहे हो, वो कई टाइप के हम लोग के सिलेबस में है। जैसे अगर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो NPO है अपने सिलेबस में, अगर कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वो पढ़ने जा रहे हो सोल प्रोप्राइटर का, है ना। तो तमाम सारी अलग, पार्टनरशिप का अलग से पढ़ोगे, तो ये आप पढ़ने जा रहे हो। अब इसमें बेटा तीन टाइप की कंपनीज होती हैं, एक जो ट्रेडिंग करती है, ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे
मैं ये कैलकुलेटर किसी से खरीदता हूँ, बेच देता हूँ, तो आई एम अ ट्रेडर, तो मेरे फाइनल अकाउंट्स कैसे बनेंगे आपको वो पढ़ना है। फिर मैं ट्रेडर नहीं हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं इसको बनाता हूँ, बना के बेच देता हूँ, मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर, मैं इसको बनाता हूँ और बेच देता हूँ, तो मेरे फाइनल अकाउंट कैसे बनेंगे वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अब ट्रेडर के बारे में अगर पढ़ोगे तो हमें ट्रेडर को यहां बोलते हैं नॉन मैन्युफैक्चरर। नॉन मैन्युफैक्चरर का क्या मतलब हो गया? ट्रेडर। और मैन्युफैक्चरर का मतलब हो गया मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर एज वेल एज ट्रेडर, मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडर, तो दोनों की फाइनल अकाउंट आपको पढ़ने हैं। पहले बताओ यहां तक समझ में आया? फटाफट रिप्लाई करो, जल्दी से, जल्दी से रिप्लाई करो, यहां तक समझ में आया? ओके, आ गया, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ो। अब सुनो बेटा, जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हो ट्रेडिंग, उस आदमी का जो ट्रेडर है, जो ट्रेडिंग करता है, तो उसके फाइनल अकाउंट में तीन चीजें बनती हैं। क्या क्या? एक बनेगी ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनेगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनेगी बैलेंस शीट। चलो मेरे साथ साथ रिवाइज करो, क्या क्या बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अच्छा, जब आप मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर का बनाओगे तो है तो ये भी ट्रेडर, तो ये भी बनाएगा क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, ये भी बनाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी बनाएगा बैलेंस शीट। तो मतलब ये हुआ कि ट्रेडर है तो वो भी बनाएगा ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरर है तो भी बनाएगा ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। बस जो मैन्युफैक्चरर होता है वो एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनाता है, क्या? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, तो अब आप देखो बेटा, तो ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, तो हम पहले ट्रेडर का पढ़ेंगे। ट्रेडर का पढ़ लेंगे तो ट्रेडिंग बनाना आ जाएगा, पीएल बनाना आ जाएगा, बैलेंस शीट बनाना आ जाएगा। फिर जब आखिरी में इसमें मैन्युफैक्चरिंग वाले मैन्युफैक्चरर्स के बारे में जाएंगे तो सिर्फ हमें एक अकाउंट की प्रैक्टिस करनी रहेगी, क्या? कि हाउ टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और फिर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट सब एक साथ कैसे बनता है। बोलो यहां तक क्लियर है? सब बच्चे फटाफट रिप्लाई करो, जल्दी करो, यहां तक क्लियर है? हाँ, स्क्रीन सही कर दी बेटा, स्क्रीन सही कर दी। चलो तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे किसकी? ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा और बैलेंस शीट कैसे बनेगी। नो ऑडियो, स्क्रीन सही कर दी बेटा, स्क्रीन सही कर दी। चलो तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे किसकी? ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा और बैलेंस शीट कैसे बनेगी। मेरे पास तो ऑडियो आ रहा है, तुम लोग बताओ। नो ऑडियो कई लोगों ने लिखा। अरे बैकग्राउंड में मैंने फोन लगा रखा है ना, इसलिए रिपीट हो रही है। अब नहीं आएंगे। अब बैकग्राउंड में बेटा मैं चेक कर रहा था ना फोन में चला के कि वॉइस आ रही है कि नहीं, तो इसलिए बैकग्राउंड में आ रही थी। अब नहीं आएंगे, अब देखो अब नहीं आ रही होगी। सृष्टि, नो ऑडियो। अब ठीक होगी बेटा, वो एक्चुअली थोड़ा सा लेट जाता है ना, मैं यहाँ पे फोन में चेक कर रहा था अपने कि चल रहा है कि नहीं, तुम लोग के कमेंट्स तो फोन में देखता हूँ ना। सृष्टि आ रही है आवाज कि नहीं, तुम बताओ।
चलो अब क्लियर है। लाइव से पीछे चल रहे थे हम लोग, वॉइस नहीं आ रही थी। हाँ तो लाइव के बराबर में आ जाओ ना। ओके चलो सृष्टि ठीक है। तो अब बेटा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ट्रेडिंग कैसे बनेगा, पीएल कैसे बनेगा और बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो अब यहाँ आ जाओ। तो अब यहाँ पे ट्रेडर के बारे में पढ़ाई करनी है, मैन्युफैक्चरर के बारे में पढ़ाई करनी है। तो पहले हम लोग किसकी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, ट्रेडर की, कि कोई भी ट्रेडर कैसे बनाएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो अब देखो बेटा यहाँ पे, तो ट्रेडर के फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनता है, टू नो ग्रॉस प्रॉफिट, क्या निकालने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है किस बात के लिए बेटा, टू नो नेट प्रॉफिट। और बैलेंस शीट बनती है किस बात के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, क्या जानने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट कोई भी क्यों बनाता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाता है, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। बैलेंस शीट क्यों बनाता है बेटा, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब उसके पास कितने के एसेट्स हैं और कितने के लाइबिलिटीज हैं। बोलो यहां तक क्लियर है, फटाफट बताओ यहां तक क्लियर है जल्दी से। ओके चलो क्लियर है, आगे बढ़ो। तो अब पहले सीखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। तो ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, लेकिन रटना नहीं है, जैसे मैं बताऊंगा वैसे सुनना है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनता है, ट्रेडिंग एक्टिविटी से हमने कितना प्रॉफिट कमाया उसको कैलकुलेट करने के लिए बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे एक एग्जाम्पल सुनना फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल है, कोई हॉस्पिटल है, तो अब हॉस्पिटल में अगर कोई दिखाने जाता है, कोई पेशेंट एडमिट हो गया, तो क्या होता है, एक तो उसको हॉस्पिटल मेडिसिन देता है, तो मेडिसिन कोई हॉस्पिटल बनाता तो है नहीं, कहीं से खरीद के दे देता है, तो वो मेडिसिन की ट्रेडिंग कर रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, वो अगर कोई मेडिसिन जितने में खरीदेंगे उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करके तभी बेचेंगे, करेंगे कि नहीं ऐसा। तो मेडिसिन बेच के उन्होंने क्या प्रॉफिट कमाया, वो निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट से। फिर उसके अलावा हॉस्पिटल ओपीडी सर्विसेज देता है, आईसीयू की सर्विसेज देता है, ऑपरेशन थिएटर एंड सो ऑन। तो अपनी टोटल एक्टिविटीज से क्या कमाया, वो निकल के आएगा नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। फिर से एक बार, क्या कोई भी पर्सन अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी से कितना प्रॉफिट कमाता है, अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी से कितना प्रॉफिट कमाता है, ये कहाँ से निकल के आता है, ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग एक्टिविटी का मतलब जो उसने खरीदा और दे दिया। जैसे आप लोग हमारे पास एडमिशन लेते हो तो हम आपको मॉड्यूल्स देते हैं, तो वो मॉड्यूल्स भी तो हम भी कहीं से प्रिंट कराते हैं बेटा, हम तो बस उसको लिखते हैं और कॉपी प्रिंट तो बाहर ही होता है। तो अब ये बताओ, अगर वो मॉड्यूल हम आपको थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करके सेल करें, तो हमने आपको मॉड्यूल देके क्या प्रॉफिट कमाया, ये कहाँ से पता चलेगा, जब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा तो वहाँ से। फिर आप यहाँ पढ़ते हो, तो जब हम आपको पढ़ाते हैं तो हम आपसे कुछ ट्यूशन फीस चार्ज करते हैं, तो उसमें कितना प्रॉफिट, अगर उसमें हम कुछ प्रॉफिट ऐड करते हैं तो ओवरऑल हमने क्या कमाया, आपको पढ़ा के एज वेल एज आपको स्टडी मैट देके, वो कहाँ से निकलेगा, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है ओवरऑल प्रॉफिट, और ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। बोलो ये बात क्लियर है, जल्दी से बताओ। सृष्टि, सुमित, कार्तिक, साहिल, पुष्कर, राहुल, प्रियांशु, नैन्सी, गरिमा, हरिद्वार, सुमित और कौन है, अविनाश, विशाल, अंश, कृतिका, सब बच्चे बताओ। चलो क्लियर है, फटाफट मैसेज करो करो बेटा।
ओके चलो अब आगे देखो। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक कर दिया, मैं स्क्रीन ठीक करता रहूंगा, परेशान मत हो, वो मैं देख लिया करूंगा। आप सुनो वॉइस, देखो बेटा, तो अब हम सीखने जा रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। तो पहली चीज पढ़ेंगे हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बनाते हैं, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग चार चीजें लिखते हैं, पांच चीजें, क्या क्या, एक ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल, अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो। अब इसका जो नेट इफेक्ट निकल के आता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या क्या ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल, डायरेक्ट खर्चे। अब जब इसको पैक करते हैं तो जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। बोलो ये बात समझ में आई। ओपनिंग ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और रटना थोड़े ना है बेटा, मैं कंसेप्ट दूंगा ना आपको, तो ये कंसेप्ट है क्या, ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, सेल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ प्रियांशु बिल्कुल सही, हाँ ये क्लियर है। ठीक है तो ये इतनी चीजें आएंगी। अब देखो ओपनिंग स्टॉक सब बच्चे जानते हो, क्लोजिंग स्टॉक सब बच्चे जानते हो, परचेज और सेल भी सब बच्चे जानते हो। ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है इसके बारे में सुनो। देखो बेटा प्रोडक्शन बढ़ाने पे जो एक्सपेंस बढ़ जाए, प्रोडक्शन कम करने पे जो एक्सपेंस कम हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रोडक्शन बढ़ाने पे जो एक्सपेंस बढ़ गया, प्रोडक्शन कम करने पे जो एक्सपेंस कम हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसका नेचर जो हो गया वो वेरिएबल हो गया। कैसा हो गया, वेरिएबल नेचर का हो गया, वेरिएबल नेचर का होता है। वेरिएबल कॉस्ट ही तो है ना, जैसे बताओ मेरे पास जितने ज्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन लेते जाएंगे उतना ज्यादा मुझे बेटा स्टडी मैट का एक्सपेंसेस आता जाएगा ना। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वो वेरिएबल नेचर का हो गया, उसी को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये आएगा। अब आइए देखिए फॉर्मेट में क्या क्या लिखा है। पहले ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग के पास आएगा ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल और डायरेक्ट एक्सपेंस। अब अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट कम है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो ग्रॉस लॉस आएगा। चलो बताओ ट्रेडिंग का फॉर्मेट क्लियर हुआ, फटाफट जल्दी से, ट्रेडिंग का फॉर्मेट क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ। ट्रेडिंग का फॉर्मेट क्लियर हो गया, सुमित, गरिमा, सृष्टि, नैन्सी, कृतिका, क्लियर हो गया। ठीक है क्लियर हो गया। अब मेरी बात सुनो बेटा, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोग 11th 12th में भी पढ़ के आते हो, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बात बताता हूँ। क्या देखो बेटा, हम लोग के अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, जरा देखना, हम लोग की अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है। हम लोग की अकाउंटिंग का प्रोसेस है, सबसे पहले जब भी कोई चीज की अकाउंटिंग होगी तो पहली चीज उसका जर्नल बनेगा, फिर लेजर बनेगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर उसके फाइनल अकाउंट्स बनेंगे, फाइनल अकाउंट बनेंगे। अब नोटिस करना इस बात को, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। क्या फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट जब बनाते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने बता दिया ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और अगर यहीं से हमको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिल जाएगा। अब ये बताओ बेटा, कोई चीज डायरेक्ट थोड़ी ना ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, कोई चीज भी आएगी तो पहले उसकी एंट्री होगी ना, फिर लेजर बनेगा, फिर ट्रायल बनेगा, तब इसमें आएगा ना। या मान लो ये सब नहीं भी बना तो एंट्री तो होगी ही होगी ना, बिना एंट्री के थोड़े ना कोई चीज आ जाएगी। हाँ साहिल बिल्कुल सही बेटा। तो आप जानते हो ट्रेडिंग अकाउंट में ये जो चीजें हम लोगों ने लिखा, क्या क्या, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको रिकॉर्ड करने की बेटा जर्नल एंट्री होती है। तो वो एंट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और हमको हम लोग के स्टडी मैट में उस एंट्री के बारे में भी लिखा हुआ है, उस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी एंट्री डिस्कस करी जाए। करो डिस्कस, बोलो एंट्री डिस्कस करूं, जल्दी से बता दो, लिख दो यस सर, डिस्कस कर लो। चलो अब आओ देखो कैसे डिस्कस करेंगे। ठीक है देख लिया मैंने। प्रियांशु तुम इतना तेज, इतना ज्यादा कैसे टाइप करते हो बेटा, कंप्यूटर पे देख रहे हो क्या? ओके चलो अब देखो बेटा, तो ये पांच चीजें आती हैं। तो अब एंट्री कैसे होगी, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्री का सीक्वेंस।
सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंट्री का सीक्वेंस। क्या सीक्वेंस है? पहले हम परचेज से परचेज रिटर्न एडजस्ट करेंगे, फिर देखो बेटा जो नेट परचेज होगी वो जाएगी ना ट्रेडिंग अकाउंट में, तो जब एंट्री बोलने को बोलेगा तो परचेज से परचेज रिटर्न सेटल करोगे, सेल से सेल रिटर्न सेटल करोगे, पहले तो ये काम करोगे। तो अब मैं सिखाता हूँ, चलो कैसे कैसे करोगे। अब यहाँ आ जाओ, ये देखो पहले पहली एंट्री क्या है, परचेज से परचेज रिटर्न को सेटल करेंगे। सर इसका क्या मतलब हुआ? बेटा मुझे एक बात बताओ, बेटा मुझे एक बात बताओ, हमने परचेज करी, कोई गुड्स परचेज किया, तो एंट्री क्या बनाते हो? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सपोज करो हमने 1 लाख का गुड्स परचेज कर लिया, तो ये 1 लाख यहाँ लिख देते हो। अभी बताओ इसमें से कुछ 10-15 हज़ार का गुड्स था जो हमारे काम का नहीं था, हमने ऑर्डर कुछ और किया था, आ गया कुछ और, वापस नहीं कर देंगे उसको? जब वापस कर देंगे तो उसी को तो बोलते हो ना परचेज रिटर्न, तो उसकी क्या एंट्री बनाते हो? उसकी एंट्री आप बनाते हो परचेज रिटर्न को, उसकी क्या एंट्री करते हो? उसकी एंट्री हम लोग करते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यही तो एंट्री करते हो ना। जैसे मान लो 15 हज़ार का गुड्स वापस कर दिया, तो ये एंट्री करोगे। अब इसमें हो गया क्या, परचेज एक बार हम लोग का 1 लाख से डेबिट, फिर परचेज 15 हज़ार से क्रेडिट, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हम लोग का परचेज डेबिट हुआ 85,000 से ना, और ये जो 85,000 है वो जाएगा ना ट्रेडिंग अकाउंट में। तो पहला हम लोग काम करते हैं परचेज को परचेज रिटर्न से सेटल करते हैं, परचेज को परचेज रिटर्न से सेटल करते हैं, तो उसकी क्या एंट्री होती है? रटना नहीं है, समझना है क्या, जब माल खरीदते हो तो परचेज डेबिट होता है, तो जब वापस करोगे तो परचेज क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, परचेज रिटर्न डेबिट हो जाएगा। तो ये देखो पहली एंट्री क्या हुई, परचेज रिटर्न डेबिट और परचेज क्रेडिट, परचेज रिटर्न डेबिट और परचेज क्रेडिट। बोलो ये बात समझ में आई, पहली एंट्री क्लियर हुई? फटाफट बताओ, परचेज रिटर्न डेबिट और परचेज क्रेडिट, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? साहिल का आंसर सबसे पहले आया, जितनी तेजी से आंसर करोगे उतनी जल्दी से मैं और आगे बढ़ जाऊंगा। साहिल, राहुल, सृष्टि, पुष्कर, सुमित, अर्शिया, हरिद्वार, नैन्सी, पुष्कर, गरिमा, ठीक है सर्वज्ञ, इतनी बात समझ में आई। अब बेटा देखो, तो अब हमारी जो परचेज है वो तैयार है कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में जाने के लिए। ओके, प्रियांशु, कृतिका का भी आंसर आ गया। अब दूसरा काम करेंगे क्या, सेल को सेल्स रिटर्न से एडजस्ट करेंगे। किसको? सेल को सेल्स रिटर्न से एडजस्ट करेंगे। अब बताओ जब माल बेचते हैं तो सेल क्रेडिट होती है? भाई अब ये बताओ, आप मेरे से कोई गुड्स परचेज करने आए, मैंने आपको बेच दिया तो मे भी उसमें कुछ डिफेक्टिव हो या कुछ आपकी समझ में ना आए तो ला के मुझे वापस कर दोगे, वापस करोगे, तो जब मैंने आपको माल बेचा था तो सेल को क्रेडिट करी थी, जब आप वापस करोगे तो मैं क्या करूँगा, सेल को डेबिट करूँगा, सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर दूंगा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। जब भी आपसे कभी भी आए कि एग्जाम में आए कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ लेकिन जर्नल एंट्रीज के साथ, तो पहला काम करोगे परचेज को परचेज रिटर्न से एडजस्ट करोगे, दूसरा काम करोगे सेल्स को सेल्स रिटर्न से एडजस्ट करोगे। यहां तक समझ में है? रिप्लाई करो फिर आगे बढ़े। यहां तक समझ में है? रिप्लाई करो फिर आगे बढ़े। ओके ठीक है, आ गया। ठीक है आगे बढ़ो। अब क्या होगा बेटा, अब इनको हम ट्रेडिंग में ट्रांसफर करेंगे, अब इनको ट्रेडिंग में ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रेडिंग में बताओ मुझे, ट्रेडिंग में ट्रांसफर करेंगे तो देखो, ये देखो ट्रेडिंग अपना, और ये देखो ट्रेडिंग यहाँ कहीं बनाया था, छोड़ो ये बताता हूँ। देखो अब ट्रेडिंग अपना देखो, अब ये बताओ ट्रेडिंग की डेबिट साइड में क्या क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में क्या क्या आता है, परचेजेस डेबिट में क्या क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है ना। अब इसकी एंट्री अगर इनको ट्रेडिंग में हमें लेके आना है तो इसकी एंट्री हम करेंगे, बताओ ये ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड में आता है, डेबिट साइड में, तो लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, फिर टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये डेबिट वाली एंट्री हो गई। ये देखो ये लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू वेजेस लिख दिया, हालांकि वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है। अब बारी आई क्रेडिट वाली एंट्री करने की, तो अब बताओ ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता ही क्या क्या है, एक सेल आता है और एक क्लोजिंग स्टॉक आता है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक लास्ट डेट पे बचता है ना, तो
तो आप अब इनकी एंट्री करोगे तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएंगे, तो आप लिखोगे टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कर दिया, और इनको डेबिट कर दो, क्या सेल को डेबिट कर दो और क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट कर दो, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो सेल को ट्रांसफर करने की क्या एंट्री हो गई, सेल टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट और टू ट्रेडिंग अकाउंट, और सेल की भी यहीं कहीं लिखी होगी, ये सेल डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब सारी चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में चली गई। तो अब क्या होगा बेटा, अब इसको ट्रेडिंग अकाउंट को पैक करेंगे, पैक करने पे हमको मिलेगा बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट किधर आया, ट्रेडिंग की डेबिट में आया, तो क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू जीपी। तो ये देखो, अगर प्रॉफिट आया तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू जीपी, नुकसान आया तो ग्रॉस लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाता है, पीएल में। यहां से देखो, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो पीएल में क्रेडिट साइड में आएगा, तो टू पीएल और ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बन गई ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पीएल, और नुकसान होता तो पीएल के डेबिट में आता, तो एंट्री करते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस लॉस। चलो अब लिख दो एक बार सारी एंट्री, क्लियर, एक बार लिख दो सारी एंट्रीज क्लियर। ऑल क्लियर, ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो अब बेटा करते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर करेंगे सेकंड, और ये है हम लोग का पीडीएफ, जो भी आउटसाइडर स्टूडेंट देख रहे हो नॉन पीपीसीएन, तो इस ये फाइनल अकाउंट का जो पीडीएफ है मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया है, टेलीग्राम वाले ग्रुप पे, वहां से डाउनलोड कर लो, वहां से देखो। और देखो क्वेश्चन नंबर टू हम लोग करने जा रहे हैं, आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन है, क्या लिखा है पढ़ो। इसमें लिखा है, ये इतनी जानकारी दे दी, अब कहता है फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मेसर्स एबीसी ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, पास क्लोजिंग एंट्रीज इन द जर्नल प्रॉपर फॉर एबीसी लिमिटेड। अब बेटा असल में क्या होता है ना, ये जो एंट्रीज हम लोगों ने अभी पढ़ा ना, ये एंट्रीज पास होती है जर्नल प्रॉपर में, कहाँ पास होगी, जर्नल प्रॉपर में, क्यों। अब अपना 11th क्लास याद करो, बताओ जर्नल के सब डिवीजन होते थे, उसको क्या बोलते थे, सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक कितनी टाइप की होती थी, परचेज बुक, उसमें क्या लिखते थे, क्रेडिट परचेज, परचेज रिटर्न में क्रेडिट परचेज रिटर्न, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट सेल्स रिटर्न, फिर बीआरबीपी में बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल लिखते थे, बाकी एंट्री जर्नल प्रॉपर में जाती थी, हम लोग ऐसे पढ़ लेते थे। तो ये एंट्री है, ये क्लोजिंग एंट्री है, ये 31 मार्च को होती है, ये सब एंट्री ना परचेज में हो सकती है, ना परचेज रिटर्न, ना सेल, ना सेल रिटर्न, ना बीआर, ना बीपी, तो ये सब कहाँ होगी, कहाँ होगी, ये सब होगी जर्नल प्रॉपर में, ये सब होगी जर्नल प्रॉपर में। मुझको बताओ यहां तक समझ में आई, सब बच्चे बताओ यहां तक बात समझ में आई, यस सर। तो मेरे पास प्रियांशु, सृष्टि, पुष्कर, हरिद्वार, आराध्या, सर्वज्ञ, नैन्सी, कृतिका, गरिमा, राहुल, सबका आंसर आ गया, वेरी गुड। तो अब बेटा इसका हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व है, टाइम बचाने के लिए मैं यहीं पे फटाफट बताऊंगा, लिखने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। अब आओ चलो बताओ फटाफट, क्या अभी सिखाया था, सबसे पहली एंट्री किसकी होगी, जल्दी से आंसर। सुमित ने तो ग्रॉस प्रॉफिट भी बता दिया, नालायक शुरू तो करने दो भी, चलो अब बताओ सबसे पहली एंट्री किसकी होगी। सर परचेज में परचेज रिटर्न एडजस्ट होगी, अच्छा आओ देखते हैं परचेज रिटर्न है भी, यस सर है। परचेज रिटर्न को क्या बोलते हो, रिटर्न आउटवर्ड, 72,000 का है और परचेज कितने की है, 672 की है, तो पहली एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट, पहली एंट्री क्या होगी बेटा, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 72,000 से। ये देखो पहली एंट्री हो गई परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 72,000 से,
पहली एंट्री हो गई। अब अगली एंट्री क्या सिखाई थी मैंने, सेल को सेल्स रिटर्न से एडजस्ट करोगे। तो ये देखो अपने पास सेल है 11 लाख की और सेल्स रिटर्न कितने की है 1 लाख की। तो क्या इसकी एंट्री करोगे, सेल डेबिट होगी, सेल्स रिटर्न क्रेडिट हो जाएगी, सेल डेबिट टू सेल्स रिटर्न 1 लाख से। तो ये देखो सेल डेबिट, सेल डेबिट टू सेल्स रिटर्न ये कितने का आ गया 1 लाख। अब परचेज सेल ठीक हो चुकी है तो अब जो डेबिट में आइटम जानी है उसको भेजो। डेबिट में क्या क्या जाएगा, एक तो ओपनिंग स्टॉक जाएगा, कैरियज इन्वर्ट जाएगा, वेजेस जाएगी और परचेज जाएगी। तो क्या एंट्री बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज टू कैरियज इन्वर्ट टू वेजेस। तो ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज टू वेजेस टू कैरियज इन्वर्ट। अब क्रेडिट वाली आइटम भेज दो, क्रेडिट में क्या क्या है, सेल और क्लोजिंग स्टॉक, तो दोनों को अलग अलग भेजना होता है। असल में सेल चलती है साल भर और क्लोजिंग स्टॉक बचता है लास्ट डेट पे, तो हम लोग एक ही में नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो अब ये देखो क्लोज ट्रेडिंग की क्रेडिट में जाएगा तो टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग हो गया क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, और यहाँ पे ये ट्रेडिंग हो गया क्रेडिट, सेल हो गई डेबिट, ये सब हो गया। अब जब इतना हो गया तो देखो हम लोगों ने क्या क्या लिखा, परचेज से परचेज रिटर्न एडजस्ट किया, सेल से सेल्स रिटर्न एडजस्ट किया, फिर ओपनिंग स्टॉक वेजेस कैरियज इनवर्ड को डेबिट में भेज दिया, सेल और क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में भेज दिया। अब जो बैलेंस आएगा वो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर ये पीएल में चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट ये रहा, फिर ये पीएल में भेज दोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। बोलो क्लियर हुआ, फटाफट आंसर दो, क्या ये क्लियर हो गया। प्रियांशु, पुष्कर, सृष्टि, हरिद्वार, साहिल, राहुल, कार्तिक, क्लियर हो गया। चलो बहुत अच्छा सॉल्व कर लिया गरिमा ने, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया बेटा गरिमा, आगे बढ़ते हैं। तुम लोग और अपने दोस्तों को शेयर करो बेटा, जिसको भी पढ़ना हो सबकी हेल्प हो जाए ना, जो भी तुम्हारे जानने वाले हैं जिनको भी प्रॉब्लम है, वो 11th 12th के हैं, वो सीए फाउंडेशन के हैं, जिसको भी फाइनल अकाउंट में प्रॉब्लम है सबको शेयर कर दो। ठीक है, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग के लिए भी रिवॉर्ड ये होगा ना, आप लोग चैनल पे जुड़ो, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज कराओ इसके, ठीक है। चलो ये बात हुई, अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो ये ट्रेडिंग वाला तो कंसेप्ट हो गया, अब आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। रटना नहीं है बेटा, ठीक है, बस दिमाग में बैठा लेना। अब बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आएगा। देखो बेटा, जब हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में केवल आई एक आइटम गई इनकम के नाम पे, दैट इज सेल। सेल के अलावा कहीं से जो भी इनकम होगी वो पीएल में क्रेडिट करी जाएगी। ये देखो सेल के अलावा जितनी इनकम होगी, आप इसको रट नहीं सकते, ये बस लिख दिया मैंने। देखो क्या क्या होगा, हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आया था तो एक तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखोगे, नुकसान आएगा तो ग्रॉस लॉस लिखोगे। अब क्या है, सेल के अलावा व्यापार में जितने भी तरह की इनकम आ सकती है वो सब क्रेडिट करी जाएगी, जितने तरह की इनकम आएगी क्रेडिट करी जाएगी, ठीक है। जैसे जिस बिजनेस का आप अकाउंटिंग कर रहे हो, क्या पता उसने कुछ पैसे बैंक में जमा कराए, उससे इंटरेस्ट आता हो तो इंटरेस्ट इनकम होगी। उसने कोई हाउस प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी हो, रेंट आता हो, वो आएगा। उसने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हो, डिविडेंड आता हो। उसने किसी कंपनी का डिवेंचर परचेज किया हो, इंटरेस्ट आता हो। किसी भी प्रकार की कोई भी अदर इनकम है अदर देन सेल, वो पीएल में क्रेडिट हो जाएगी। और कोई भी खर्चा है इनडायरेक्ट नेचर का, डायरेक्ट वाले कहाँ चले गए ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट नेचर के जितने खर्चे हैं। सर इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे क्या होते हैं बेटा, प्रोडक्शन बढ़ाने पे जो खर्चे बढ़े ना, प्रोडक्शन कम करने पे जो खर्चे कम ना हो, वही खर्चे क्या हैं, इनडायरेक्ट, वही हैं इनडायरेक्ट, ठीक है। तो वो सब इसमें डेबिट हो जाएंगे। और अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट आएगा, और अगर डेबिट का टोटल क्रेडिट से ज्यादा है तो क्या आएगा, नेट लॉस आएगा। अगर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है,
क्रेडिट बैलेंस तो प्रॉफिट, अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस है तो नुकसान। चलो बताओ यहां तक समझ में आई बात, फटाफट रिप्लाई करो। जल्दी से रिप्लाई करो। प्रियांशु, साहिल, हरिद्वार, सुमित को आ गया, पुष्कर, मानसी, सृष्टि, ठीक है, ओके, सबको क्लियर हो गया। तो अब बेटा वो क्या होते हैं इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे और इनकम, तो वो एक इनकम तो बता दी, एक्सपेंसेस एक बार रीड कर देता हूँ, लेकिन रटना मत, रट नहीं पाओगे, ठीक है। लो ऐसे याद कर लो ना, उल्टा ट्रेडिंग में डायरेक्ट जाएगा, उसके अलावा जो बच गया सब कहाँ जाना है, पीएल। क्या क्या हो सकता है? सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, ये बस ऐसे ही दो चार लिख दिए। अब इनकी लिस्टिंग करने लगेंगे तो बहुत हो जाएंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास डायरेक्ट खर्चे कम होते हैं, इनडायरेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट को आप रट नहीं सकते, वरना मैं रटने को सजेस्ट करूंगा, इस इतने बड़े कोर्स में आप रट के नहीं पास हो सकते। अब इसकी भी बेटा एंट्री होती है, जैसे आपने ट्रेडिंग में एंट्री करी वैसे इसकी भी एंट्री होती है। अब इसकी एंट्री कैसे कैसे होगी? सबसे पहले अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया या ग्रॉस लॉस आया तो यहाँ ट्रांसफर होगा, हालांकि उसकी एंट्री हम लोग पहले ही कर चुके हैं। जब यहाँ पे करा था, ये देखो, तो यहाँ कर लिया था ना, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो पीएल में भेज दिया, ग्रॉस लॉस आया तो पीएल में भेज दिया, पीएल में भेज दिया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जितने बेटा अपने पास, यहाँ फिर से लिख दिया है, ये देखो, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो ग्रॉस प्रॉफिट आया तो पीएल की क्रेडिट में जाएगा, तो पीएल क्रेडिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट। नुकसान आया तो पीएल की डेबिट में जाएगा, पीएल डेबिट, ग्रॉस लॉस क्रेडिट। अब जितनी चीज़ें डेबिट में आती हैं, पीएल को डेबिट करो, सब लिख डालो, सैलरी, लीगल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, रेंट, इंटरेस्ट, जितनी क्रेडिट में आती हैं पीएल को क्रेडिट करो, उन सबको लिख डालो, कमीशन, इंटरेस्ट, अदर इनकम, व्हाटएवर। अब इनका जो नेट इफेक्ट होगा वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा। तो अगर नेट प्रॉफिट आएगा तो पीएल की डेबिट में आएगा, तो पीएल डेबिट टू नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कैपिटल में जाके जुड़ जाता है, तो नेट प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। अगर नुकसान आएगा तो पीएल के क्रेडिट में आएगा, तो टू पीएल नेट लॉस डेबिट, और ये कैपिटल में से माइनस हो जाता है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नेट लॉस। चलो बेटा एंट्रीज क्लियर। फटाफट बताओ एंट्रीज क्लियर, जल्दी से। यस सर, क्लियर। अच्छा, महिमा, प्रियांशु, साहिल, हरिद्वार, सुमित, पुष्कर, मानसी, सृष्टि, गरिमा, नैन्सी, आराध्या, कृतिका, राहुल, कार्तिक, कशिश, नैन्सी, ठीक है, सबको क्लियर हो गया। तो अब मैं कराने जा रहा हूँ इस पर क्वेश्चन। कशिश बेटा, आप यहाँ के स्टूडेंट हो? ओके, चलो अब हम लोग करने जा रहे हैं बेटा इस पे एक क्वेश्चन। तो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 3, आओ देखो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस ऑफ मेसर्स एबीसी ट्रेडर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इज एज फॉलोस। अच्छा, और आखिरी में क्या कहते हैं, शो नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ एबीसी लिमिटेड एबीसी ट्रेडर एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मुझे एंट्री करनी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। चलो बताओ पहली एंट्री किसकी होगी, ग्रॉस प्रॉफिट की। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 4,20,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में क्रेडिट आता है, 2 पीएल ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट। ये देखो एंट्री, पहली एंट्री हो गई ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। उसके बाद आगे अब जितने खर्चे हैं डेबिट में डाल दो, क्या क्या, सैलरी डिस्काउंट डेबिट हुआ है तो ये भी खर्चा है, बैड डेट, डेप्रिसिएशन, लीगल चार्जेस, कंसल्टेंसी फीस, ये ऑडिट फीस, ये वाली गलत है, एक कुछ अलग है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन, पोस्टेज, टेलीग्राम, स्टेशनरी, इंटरेस्ट पेड, ये सब डेबिट में आ जाएंगे। तो क्या होगा, पीएल डेबिट होगा, ये सब क्रेडिट हो जाएंगे। ये देख लो, ये ऑडिट फीस थोड़ी सी गलत है, इसमें ठीक किया मैंने, ये देखो
पीएल डेबिट हो गया, सैलरी, लीगल चार्जेस, कंसल्टेंसी, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस 1,000 की है, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट, बैड डेट, इंटरेस्ट, ये सब आ गया। अब जितने पीएल के क्रेडिट वाले आइटम है उनको क्रेडिट में भेज दो। क्या क्या है ये देखो, एक तो अपने पास क्रेडिट वाला डिस्काउंट है तो ये जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिखा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, अब पीएल को पैक कर देंगे। तो ये सब पीएल की डेबिट में आ गए, ये पीएल की क्रेडिट में आ गया, पैक कर देंगे तो नेट प्रॉफिट पीएल की डेबिट में आएगा तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट, और इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे तो नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बताओ यहाँ तो क्लियर हुआ, प्रियांशु का नेट प्रॉफिट आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। पुष्कर, सुमित, नैन्सी, साहिल, सबका 43,000 आ गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज आती है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका होमवर्क है, इसमें ट्रेडिंग पीएल दोनों बनाना है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, सब लोग सॉल्व करके मुझे भेजोगे पर्सनली, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके भेजोगे, मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं देखूं कितना इंटरेस्ट ले लो तुम लोग रिवीजन में। जिसके पास मेरा नंबर है, ठीक नहीं है तो ये मेरा नंबर है बेटा, मुझे व्हाट्सएप करोगे सब लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बैलेंस शीट पे। तो ये देखो सबको पता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, एसेट्स आएंगे, लायबिलिटी आएगी, है ना। तो जो भी एसेट्स हैं कंपनी के पास, ये एसेट्स हो गए, ये लायबिलिटीज लिख देंगे, कैपिटल है अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो उसमें ऐड कर देंगे, नुकसान हुआ तो माइनस कर देंगे, लॉस हुआ तो माइनस कर देंगे। बताइए यहां तक सब क्लियर है, यहां तक ठीक है बच्चों। तो फिर मैं चाहता हूं आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं और कल से हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट्स, कल से हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट्स, ठीक है। आज का सेशन यहीं वाइंड अप करते हैं, अकाउंट्स में और जो जो चैप्टर चाहिए हो वो बता देना, वो भी करा देंगे। एनपीओ, ठीक है एनपीओ करा देंगे, ओके बेटा, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाकी मिलते हैं हम लोग कल, कल अच्छा पार्टनरशिप करा देंगे बेटा, मैम की भी क्लास होगी, मेरी भी क्लास होगी, कल से अब आपको डेली दो दो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, चलो ठीक है, सब सब पूरा होगा, परेशान मत हो, बस साथ में जुड़े रहो। और जैसे कल स्ट्रेटजी बताई थी मैथ्स में वैसे पढ़ाई करो, समझ आई थी स्ट्रेटजी, जैसे बताया था उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। हाँ 2 आवर्स कर दिया बेटा हरिद्वार, रिवीजन का टाइम दो का कर ही दिया बेटा, मैम भी करेंगे मैं भी करूँगा तो हो ही गया ना 2 घंटे, ज़्यादा ही होगा कम नहीं होगा, ओके ठीक है। तो कल से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट राइट भी तुम लोग का शुरू हो रहा है, हाँ स्टेप 1 लॉजिकल रीजनिंग, तो वीडियो बार बार देखो, ऐसे ही करना, न जाने कितने बच्चों को ऐसे बेटा बहुत अच्छे मार्क्स उनके आए हैं, आप भी करोगे तो कोई
उल्टा सीधा ना व्यूज पाने के लिए उल्टा टेढ़ा बताने वाले बहुत मिलेंगे, जेन्युइन बात करने वाला आपको नहीं मिलेगा। तो जैसे बताया वर्ड बाय वर्ड उसको फॉलो करो, बढ़िया नंबर ना आए तो मुझे कहना। तो ठीक है चलो, फिर आज यहीं तक, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। कल मैंने क्लास नहीं ली थी तो संडेज में हम लोग क्लासेस नहीं रखेंगे। अच्छा अकाउंट का स्ट्रेटजी, चलो कल आ जाएगा, कल आ जाएगा। तुम लोग आदेश करो क्या चाहिए, अकाउंट का स्ट्रेटजी कल आ जाएगा, कल मिल जाएगी अकाउंट की स्ट्रेटजी। ठीक है, अकाउंट की मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स की भी मिल जाएगी, सबकी मिल जाएगी। ओके बेटा चलो फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय।